नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट, यानी कि सीटेट तो भविष्य में कभी तो होगा, आपको पता है सीटेट साल में दो बार होता है, यूपीटेट साल में एक बार होता है। तो ऐसे में आपके लिए हम सारे के सारे व्यवस्था कर दिए हैं, जितनी बार हो उतनी बार सारे सिलेबस आप देख के जाओ। हमने मैथ पूरे ख़त्म कर दिए हैं, एनवायरमेंट का बेहद 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 इंपॉर्टेंट सेशन, हर उस पार्ट के आपके सिलेबस के इर्द गिर्द सब खत्म कर दिया गया है, चाहे आप सुपर टेट में बैठे फोड़ के आएंगे, ठीक है। और अन्यथा कंडीशन में जो सीडीपी है उसमें थोड़ा बहुत रह चुका है, तो उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, करा रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैथ, हिंदी और इन्वायरमेंट और प्लस सीडीपी, ये सब के सब हम यूपी टेट के लिए और सुपर टेट सीटेट के लिए तैयार रूप से, बिल्कुल विधिवत रूप से हर एक चीज सजा रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप देखेंगे। और आज उसी के क्रम में पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। यह 2021 का रिपोर्ट है जो कि जनवरी 2022 में आया हुआ है, और यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है यह हर दो साल पे आता है, यह बात आपको याद रखना है। यहां से एक प्रश्न बन गया कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है भारत का, वह हर मतलब वह कितने साल के अंतराल पर आता है, तो बता देंगे हर दो साल के अंतराल पर आता है, जो कि जनवरी 2022 में आया है। अब ऐसे में अगर बात करेंगे यह जो वन स्थिति रिपोर्ट है कब से स्टार्ट हुआ है, तो बता देंगे सर जी यह 1987 से स्टार्ट हुआ है, 1987 से यह स्टार्ट हुआ है, 1987 से यह स्टार्ट हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। जो कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का भारत में मतलब 2022 में आया है, और यह हर दो साल पे होता है। मतलब कि यह कहां से जारी किया जाता है भाई, यह देहरादून से जारी किया जाता है, क्योंकि वन कार्यालय जो है आपका कहां पे भाई, मुख्यालय वन का यह पूरा का पूरा कहाँ पे भाई, देहरादून, यानी उत्तराखंड के कैपिटल में है, देहरादून में है। तो याद रखेंगे देहरादून से जारी करा जाता है। मतलब ये कौन सा रिपोर्ट है, तो बता देंगे 1987 से भाई, तो बता देंगे कौन सा रिपोर्ट है, काउंट करके यह 17वां रिपोर्ट है, यह 17वें नंबर का रिपोर्ट है, 17वें नंबर का रिपोर्ट है। यहां से भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, धीरे धीरे हर एक बात को हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, बस आप नोट करते चलिएगा हमारी बातों को और नोट डाउन करते चलिएगा। मात्र छोटा सा वीडियो है, इसे दो तीन बार देख सकते हैं। इसे किसके द्वारा जारी किया गया भाई, तो वही भाई जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसको जारी किया गया है। नाम याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, माननी माननी लिख दीजिए, अब श्री लिख लीजिए, श्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा इसको लाया गया है भारत में दो साल के बाद, यह बात याद रखेंगे। यह पर्यावरण मंत्री है भाई, वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, बता देंगे भूपेंद्र यादव जी हैं। अच्छा, भारत में कुल कितने वन आश्रित, पूरे भौगोलिक स्थिति का भारत में कितने वन रहने चाहिए, कम से कम 33% किसी भी देश में, पूरे भौगोलिक स्थिति का 33% वन और वृक्ष मिलाकर पूरा का पूरा रहना चाहिए, पूरे भौगोलिक स्थिति का भारत के कितना रहना चाहिए भाई, 33%, या किसी भी देश की बात करें इतना रहना चाहिए। अब भारत में कितने परसेंट अच्छा बना है इस साल, यह वन रिपोर्ट के माध्यम से कितनी परसेंट भारत के भौगोलिक स्थिति का वन है भाई, बता देंगे 24.62%, 24.62% भारत में पूरी की पूरी वन है। ऐसे में 17 ऐसे राज्य हैं भारत में जो कि 33% के आंकड़े को पार करते हैं, यह चीज याद रखना। ऐसे में भारत में 17 ऐसे राज्य हैं, भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, और इन सबको मिला दें केंद्र शासित और राज्य की संख्या, तो 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि 33% के मानों को पूरा करते हैं। लेकिन पूरे भारत में देखें तो 24.62% पूरे के पूरे भारत में पूरे भौगोलिक स्थिति का इतना वन है भाई। अब मतलब इतना वन है तो मतलब कितना हो गया वर्ग किलोमीटर में, तो बता देंगे दस लाख, मतलब 80 95 37, याद कर लीजिए 80 95 35 37 37 80 95 37 भाई, इतना वर्ग किलोमीटर वन है, यानी कि यही जो वन है पूरे भौगोलिक स्थिति का 24.62% हिस्सा रखता है पूरे भारत में, यह बातें नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं केवल वन और केवल वृक्ष, क्योंकि यह जो वन है वृक्ष और वन मिला के हैं, अगर केवल वन की बात करता है और केवल वृक्ष की बात करता है कितना परसेंट और कितना वर्ग किलोमीटर है, तो लिखिएगा 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर वन है, इतने वन है भारत में। मतलब ये कितने परसेंट है पूरे भौगोलिक स्थिति के, 21.71% है, 21.71%
7.1% है वन पूरे के पूरे। अगर वृक्ष की बात करें, वृक्ष कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, कितने क्षेत्र स्क्वायर में फैले हुए हैं, तो बता देंगे पूरे भौगोलिक स्थिति का 9574 वर्ग किलोमीटर, पूरे 9574 वर्ग किलोमीटर में हमारे पूरे वृक्ष हैं। एक कैनोपी एरिया होता है, कैनोपी मतलब कि उसमें तय किया जाता है कि पूरे वृक्ष कितने कितने दूर हैं, कैनोपी एरिया तय किया जाता है, उस हिसाब से वन और वृक्ष को बांटा जाता है। वृक्ष मतलब हमारे गांव में भी है, आपके गांव में भी है, इस तरह से वृक्ष हो गए। लेकिन कैनोपी एरिया मतलब बहुत पास पास, जैसे कि अमेजन का जंगल है, जैसे कि दक्षिण, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, जैसे कि हमारा रूस का जंगल है, इस तरह से जैसे मध्य प्रदेश में जंगल है बहुत सारे, तो इस प्रकार से भारत में जो कैनोपी एरिया बहुत छोटे हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं, वैसे जंगल 21.7% पाए जाते हैं। और पूरे वृक्षों की संख्या देखें तो कितने परसेंट में है, 2% में है, 2 point something है, मतलब कि 2 point में अगर देखें पूरे वन की कुल वृक्ष की संख्या देखें तो 2.91% है। ये चीज़ याद रखें कि वर्ग किलोमीटर में इतने हैं, ये डाटा लिखिए फिर आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये सारे के सारे डाटा आपके यूपी टेट के एग्जाम्स के दृष्टि से, अनेकों जो आपके शिक्षा जगत से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आप देने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ है भारत में, वनाच्छादित क्षेत्रफल में पहले कितना था, पहले जितना था उससे अब कितना वृद्धि हुआ है, हर साल वृद्धि होता है मतलब हर 2 साल पे, तो इस बार कितना वृद्धि हुआ है, 1540 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, आंकी गई है, ये बात याद रखना, जो कि भूपेंद्र यादव जी का कहनाम है। इसके बाद वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है भाई, तो बता देंगे 721 किलोमीटर केवल वृक्षों से, केवल वृद्धि कितनी हुई है वृक्षों से आच्छादित, तो बताएंगे 721 किलोमीटर स्क्वायर इतने क्षेत्र में वृद्धि हुआ है वृक्षों से आच्छादित में। अब वनाच्छादित में कितनी वृद्धि हुआ है भाई, बता देंगे 1540 यह वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हुआ है पूरे भौगोलिक स्थिति का, यह चीज याद हुआ। अब बताएंगे वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है, अगर मिला दें दोनों को तो 2261 वर्ग किलोमीटर, भैया मिला लीजिए दोनों को, मिलाइए 1, 4, 2, 6, 15, 6, 15, 5, 20, 15, 5, 20 और 2, 22 2261 वर्ग किलोमीटर पूरी की पूरी वृद्धि हुई है अगर इन दोनों को जोड़ लें तो, यह बात याद रखना है, चाहे एक याद कर लीजिए चाहे तीनों याद कर लीजिए, अगर इन दोनों को याद करते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इस तरह से समझ में आया मेरी बातों को। अब आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन रखने वाला कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल से और प्रतिशत से दोनों अलग अलग हैं, तो बताइएगा सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन रखने वाला कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश, यह चीज। अब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन रखने वाला क्षेत्र कौन सा राज्य है, तो हरियाणा फिर उसके बाद पंजाब, यह सबसे अधिक है मैक्सिमम की कंडीशन में, यह और मिनिमम के कंडीशन में यह है भाई, यह क्षेत्रफल के हिसाब से है, एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से है, पहले हरियाणा सबसे न्यूनतम में आ जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है पंजाब में, यह बात याद रखना, लेकिन न्यूनतम के कंडीशन में सबसे ज्यादा पहले हरियाणा फिर उसके बाद पंजाब है, इस बात को याद रखेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं प्रतिशत के आधार पर, यह तो रहा क्षेत्रफल के हिसाब से, अब प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन आच्छादित देश, सबसे ज्यादा वन रखने वाला देश, अब देखना या आप डिफरेंट, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों बातों को, अभी हम लिख लेते हैं तो समझाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हो गए, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन रखने वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम, फिर उसके बाद भैया बता देंगे अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर मैक्सिमम पहला कौन है, मिजोरम है जो नॉर्थ ईस्ट का है भाई, मिजोरम है और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल भी आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, यह चीज। अब इसके बाद न्यूनतम की बात करें, मिनिमम की बात करें, परसेंटेज में मिनिमम की बात करें तो आ जाता है भाई वही मिनिमम में हरियाणा, यह बात याद रखेंगे मिनिमम में हरियाणा ही है, मिनिमम में हरियाणा ही है, इस बात को भी याद रखेंगे जो कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है भाई, इसको याद करने में दिक्कत नहीं है, बस इसमें देखना। अब मैक्सिमम एरिया और परसेंटेज में क्या अंतर है, जैसे बात करें हमारे पास मान लीजिए पूरा का पूरा रूम इतना बड़ा एरिया है, अब इसमें क्या करें, आधा से ज़्यादा भाग हमारा का पूरा क्या है भाई, आधा से ज़्यादा भाग क्या है, क्षेत्रफल पर वन है, और एक ऐसा क्षेत्रफल है, एक ऐसा राज्य है जो कि छोटा ही राज्य है लेकिन पूरा का पूरा उसमें वन ही है, तो परसेंटेज के हिसाब में ज़्यादा हुआ और एरिया के हिसाब से ज़्यादा यह हुआ, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है, इसकी भौगोलिक स्थिति बड़ा होने के कारण ये परसेंटेज में ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति कम होने के कारण इसमें वन ज़्यादा परसेंटेज में देखे गए हैं, तो इस तरह याद करेंगे दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रतिशत के आधार पर हो गया, क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, अब पूछा जाता है सर्वाधिक वृद्धि
की दृष्टि से कौन सा राज्य सर्वाधिक वृद्धि, इस बार जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य द्वारा दर्ज कराया गया है, तो बता देंगे आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना। आंध्र प्रदेश फिर तेलंगाना दूसरे नंबर तेलंगाना। भाई याद रखना, मैक्सिमम एरिया के दृष्टि से मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा, पंजाब, न्यूनतम मैक्सिमम परसेंटेज के दृष्टि से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और न्यूनतम परसेंटेज के दृष्टि से हरियाणा। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वृद्धि देखने को मिली है, उसके बाद दूसरे नंबर तेलंगाना, यह बात याद रखना। अब पूछा जाएगा आपसे, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो कि 33% का मानक तय करते हैं, पूरा करते हैं, तो बताएंगे ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश 17 हैं जो कि पूरे के पूरे 33% के आंकड़े को फुल करते हैं, फुलफिल करते हैं, यह बात याद रखना है। पूछा जाता है भाई, अगर पूछा जाए इस बार के वन स्थिति रिपोर्ट में मैंग्रोव क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र कितना है भारत का, तो बताएंगे 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, यह इंपॉर्टेंट है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में भारत में मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन जो कि आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है भाई, जो कि खारे पानी में भी रह सकते हैं, उनकी जड़ बहुत गहरी होती है, है ना, जो कि नीचे मिट्टी में जाकर, जैसे कि राजस्थान वगैरह में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ बहुत पतली होती, बहुत नुकीली होती, बहुत अंदर तक जाती है, जो कि अपना मिनरल वगैरह ले लेते हैं। इस प्रकार से स्थिति रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट रहा, आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। हम एक एक टॉपिक दे दिए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, लेयर वाइज, क्रस्ट वाइज, मतलब हर एक चीज़ आपको दे दिया गया, आकर एक बार देख तो लीजिए भाई, सब कुछ मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, आइए फोड़ के जाइए। धन्यवाद।